आज हम लोग अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका 2019 तक का फुल्ली सॉल्यूशन रहेगा, आपका एडवांस का रहेगा और आपका जेई मेंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो सब सारा रहेगा। एडवांस का तो फुल्ली सॉल्यूशन आपका रहने वाला है 2019 तक का जितना भी है। आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन जरूर खुद से कीजिएगा, आंसर मिलाइएगा, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन मिलाइएगा। आप लोग समझ गए? ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए यह आपका क्वेश्चन एडवांस 2017 का है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इस हफ्ते आपको बहुत क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। क्या लिख रखा है? द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। समझ गए? इक्वेशन ऑफ प्लेन पास कहां से कर रहा है? दिस पॉइंट से। तो बड़ा तेजी से लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट से पास करा तो बड़ा तेजी से क्या लिख लें? इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। अब जो बोल रहा है क्या, ये जो प्लेन है वन 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 से पास किया है, इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है। समझ गए? दोनों प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसका जो नॉर्मल है, इस प्लेन का नॉर्मल है जो इस पर भी परपेंडिकुलर है, इसके नॉर्मल पर भी परपेंडिकुलर है। समझ गए? तो क्या हुआ, नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वन, यानी कि प्लेन वन पर परपेंडिकुलर है एंड साथ ही साथ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ सेकेंड पे परपेंडिकुलर है। क्या बोले कि दो प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है? उसका नॉर्मल का परपेंडिकुलर होना। समझ गए? जो वन वन से पास करा था इस पर भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, मतलब कि इसका जो नॉर्मल है इस पर भी परपेंडिकुलर है नॉर्मल पे। समझ गए बात को? तो यहां इसको सॉल्व कर लेंगे, आई जे और के, और क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल फर्स्ट का 2, 1 और माइनस टू, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा 3, 6 और माइनस टू। ये डायरेक्शन रेशियो आ गया, नॉर्मल रेशियो। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2, 1 माइनस टू 3, 6 माइनस टू। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 14, 2 और 15। समझ गए? एक्चुअली में माइनस में आ रहा था, समझ गए? सब बात माइनस में आ रहा था तो उसको हम क्या किए, माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस को हटा दिए। समझ गए? तब आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब पुट कर दीजिएगा यहाँ पे तो अपना क्या आ जाएगा आंसर, और आंसर आपका बन के आ जाएगा 14x प्लस 2y प्लस 15z इक्वल टू 31। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये IIT 2006 का क्वेश्चन पूछ रखा है और कितना आसान क्वेश्चन है। क्या है कि अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस एंड प्लेन दिस, यानी कि अ प्लेन विच, एक प्लेन है जो परपेंडिकुलर इस पे भी है और परपेंडिकुलर इस पे भी है, अब वो प्लेन इससे पास कर रहा, सेम टू सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है। एक प्लेन है जो इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर इससे पास कर रहा, तो वो बड़ा तेजी से लिखनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बेटा, कि ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई प्लस टू, माइनस है तो प्लस टू हो जाएगा, और सी जेड माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। समझ गए? अच्छा, ये जो प्लेन है इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो समझ जाएगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा नॉर्मल का। समझ गए? इसके अलोंग आ जाएगा, इन दोनों के नॉर्मल के अलोंग आ जाएगा क्रॉस के, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 और 1, इसका आ जाएगा 1 माइनस 1 और 2। समझ गए? जब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 2 1, आपके पास आ जाएगा ऐसे -3 -3 और 0 आ जाएगा। समझ गए? 0 आ रहा नहीं है कवर करने पर, -2 और +2 0 आ जा रहा, तो इससे -3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अपना क्या बन जाएगा, इसके स्थान पर क्या रख देंगे 1 1 और इसके स्थान पर 0, तो ये तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा, 0 रखेंगे तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ यहाँ से आ जाएगा और 1 1 रखा जाएगा। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। समझ गए? एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब क्या बोल रहा है कि ये जो प्लेन है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट इतना, मान चलिए एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ये प्लेन बना होगा। समझ गए? एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 ये प्लेन बना होगा, और इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, मान चलिए पी 1 2 1 से इसका डिस्टेंस क्या होगा। समझ गए? ये डिस्टेंस तो अपने को पता है कि क्या करते हैं, पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो क्या लग जाएगा 1 2 1 प्लस 2, और यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो इसको 0, इसको 1 रखाएगा नहीं, अब ये वाला 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट इसका कोफिशियंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये 1, ये वाला 1 नहीं है।
समझ गए, ये वाला वन, ये वाला कांस्टेंट वाला वन है। तो डी का वैल्यू क्या आ गया आपका, इस तरफ आ गया 4 डिवाइडेड बाई रूट टू, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2√2, अपना आंसर आ गया डी। समझ गए, देखिए कितना आईआईटी का क्वेश्चन आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आईआईटी 2010 का है, उम्मीद कर रहे होंगे सर आप लोग खुद से बना रहे होंगे, समझ गए बात को। क्या है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन दिस इज इक्वल टू क्या है 5, समझ गए, यानी कि इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच का जो दूरी है वो क्या है 5, ऑलरेडी दे रखा है। समझ गए, मतलब कि आपका डिस्टेंस बराबर क्या दे रखा है, डिस्टेंस बराबर क्या दे रखा है आपका 5। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि पॉइंट को क्या करते हैं प्लेन में क्या करते हैं सेटिस्फाई करवाते हैं, क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहता, समझ गए, सेटिस्फाई करवाते हैं। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे क्या रखते हैं 1, ये -2 को यहाँ रखेंगे आ जाएगा -4, और इस 1 को यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा -2 ही आ जाएगा, समझ गए, और ये -α, समझ गए बात को, -α, और अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका 144, 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये आपका 3 दिखाई दे रहा है आपका 9 का 3। अब इस तरफ क्या आ गया -4 - 6 - 5, ये आ जाएगा -α और -5। हाँ, और इस तरफ क्या बन जा रहा होगा 15 बन जा रहा है, समझ गए, तो मॉड खुलेगा तो प्लस माइनस के साथ खुलेगा, समझ गए। तो क्या आ जाएगा कि -α - 5 इज इक्वल टू +-15 आ जाएगा। तो एक बार 15 ले लेते हैं, एक बार लेते हैं +15, और एक बार लेते हैं -α - 5, और एक बार क्या लेते हैं -15, समझ गए। तो -α इज इक्वल टू क्या हो गया, इस तरफ से 20 हो गया, आ गया इस तरफ गया तो क्या आ गया आपका 20। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया -20, समझ गए, जो लेस देन क्या है 0। और इस तरफ क्या आ जाएगा -α, ये इस तरफ गया था -10 हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 10, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और इसी को कंसिडर भी करने के लिए बोला है, समझ गए कि क्या आ गया आपका, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन गया अपना, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो अल्फा के टर्म में पहले लिखा हुआ था ना, अल्फा के टर्म में लिखा हुआ, तो अब क्या बन गया x + 2y - 2z और क्या इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। अब इसके बाद क्या पूछ रखा है कि देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द प्लेन, तब बताइए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। तो मानते हैं कि ये प्लेन कुछ यूं होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रखा है पी से, और जबकि पी पॉइंट कितना है 1 - 2 और 1, तो ये इस तरफ कर देते हैं, ये वाला एम पॉइंट है जिसको मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड है, समझ गए, तो एम एक्स वाई जेड। हाँ, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद होगा कैसे बोले थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने या ये इमेज निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने टाइप का, समझ गए। तो क्या आ जाएगा x - 1 / क्या आ जाएगा 1, याद है y + 2 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2, समझ गए। फिर क्या आ जाएगा z - 1 और डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू, इसी में क्या करते हैं इस पॉइंट को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं प्लेन पे, समझ गए, प्लेन को क्या क्या कर सकते हैं सेटिस्फाई करते हैं, और एक माइनस लगता है याद है, एक इमेज निकालने के लिए -2 लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, प्लेन पर सेटिस्फाई करते हैं किस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो क्या आ जाएगा 1 - 4 - 2 और ये इस तरफ आ गया तो -10 और डिवाइडेड बाई क्या आता है a² b² c², तो a² 144 यानी कि 144 आ जाएगा, या गया नहीं। जब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाता है, समझ के बात को, बहुत आसानी से आ जाएगा एक्स वाई जेड का, क्या इसे कर ही लेते हैं, क्या आ जाएगा एक्स इस तरफ कितना आ जाएगा -10 - 2 - 16, -16 आ गया इस तरफ, -16 और +1 - 15, -15 + 15 बन गया +15/9, +15/9 का मतलब हो गया 5/3, 5/3 सही है, तो 5/3 तो ये आ जाएगा x - 1 / 5/3 इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अपना क्या आ जाएगा, ये 3x - 3 इज इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू 8/3 इसी तरह आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए 8/3 किसमें है, इसमें है 8/3 और कहीं नहीं है इसी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, समझ गए, और कहीं 8/3 है भी नहीं x का वैल्यू, हाँ और बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, का आईआईटी 2005 का है, देखिए क्या बोल रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, हाँ वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है, आप चाहते थे इसको कार्टेशियन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, इस पॉइंट से तो पास करेगा, ये इसका क्या हो जाएगा डायरेक्शन पे, कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या आ जाएगा x - 2 / 1 y + 2 हो जाएगा, y + 2
हाँ, तो आप इसका कार्टेशियन फॉर्म भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एंड द प्लेन दिस, हाँ आपको समझ में आता है कि प्लेन क्या है, वेक्टर फॉर्म में यह भी लिख रखा है, तो आप इसका भी चाह सकते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं क्या, ये अपना नॉर्मल होता है, आर डॉट एन इक्वल टू डी आता था, तो ये अपना नॉर्मल ही है, समझ गए। तो आपको आज ही के क्लास में बताए थे कि आज की क्लास नहीं, मतलब कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टू में, कि कभी भी एक प्लेन और एक लाइन के बीच डिस्टेंस पूछा जाता है, समझ गए, एक प्लेन और एक लाइन के बीच डिस्टेंस पूछा जाता है, तो सबसे पहले चेक क्या करते हैं कि प्लेन और लाइन पैरेलल है या नहीं, समझ गए, पैरेलल है या नहीं। तो प्लेन और लाइन में पैरेलल होने के लिए सबसे पहले चेक क्या करते हैं कि प्लेन का नॉर्मल और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ताकि परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन क्या है, मान के चलिए ये क्या है अपना प्लेन है, समझ गए, और ये आपका क्या है लाइन है, तो इसका नॉर्मल इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जब दो इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट अगर जीरो आता है, तभी आप इसका वैल्यू लाइन और प्लेन के बीच का वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ गए। अदरवाइज हो सकता है क्या कि लाइन इसको क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, इंटरसेक्ट करने का मतलब कि दोनों का दूरी भी तो जीरो हो गया, ये बात को समझ गए, फिर दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। तो एक प्लेन और एक लाइन को पैरेलल होना जरूरी है डिस्टेंस निकालने के लिए, और पैरेलल चेक करने के लिए कि इसका नॉर्मल और इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों का डॉट जीरो होना चाहिए, तभी एक प्लेन का नॉर्मल लाइन पर परपेंडिकुलर बनाता है, तभी पैरेलल कहलाता है। तो चेक कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 1-1 4 लाइन का, तो क्या हो जाएगा 1-1 4, इसका डॉट किसके साथ करवा देते हैं, इसके साथ 1-5-1 के साथ, इसका डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का क्या जाएगा 1-5 और 1, तो क्या जाएगा इसका डॉट इससे, तो क्या जाएगा 1, इसका इससे करेंगे तो -5, इसका इससे करेंगे तो +4, आ गया ना जीरो, आ गया जीरो, तो इसके मतलब क्या है कि पैरेलल है। अच्छा, अगर पैरेलल है तो अब अपने को पता चल गया कि ये प्लेन है आपका क्या बेटा, इसको लिख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, क्या एक्स प्लस 5y और प्लस जेड इज इक्वल टू 5, हाँ समझ रहे हैं ना, कैसे इसको एक्स आई प्लस वाई जेड दोनों को डॉट करवा ली थी, ये आ जाएगा आपका, समझ गए। अब बोल रखा है कि एक लाइन और एक प्लेन, तो लाइन और प्लेन के बीच में दूरी क्या, अगर लाइन पे कोई पॉइंट रहना चाहिए, तो पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या है 2-2 -2 3, इसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, समझ गए, इसी पॉइंट से इसका क्या करेंगे डिस्टेंस निकाले, कोई पॉइंट पता रहना चाहिए, तो कहते हैं इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, समझ गए। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि 2-10 + 3 - -5, और मॉडुलस में काम चलाते हैं, और अंडर रूट क्या आ जाएगा 125, और क्या आ जाएगा आपका 1, तो ऊपर से कितना आ गया बाबू 3, 5 और 15, -10 आ गया ना, -10, अंडर रूट क्या आ जाएगा 27, तो बाहर निकल कितना आ जाएगा 3√3, तो आपका आंसर आ गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2017 का है, और सब एक ही जैसा आपको क्वेश्चन लग रहा होगा। एक्चुअली जो हम क्वेश्चन का जो कलेक्शन कर रखे हैं, वो इस कदर कलेक्शन किए हैं कि आपका सारा टॉपिक बस एक ही लेक्चर में आज का, और भी हम तो प्रॉब्लम सॉल्व 3-4 रहेगा आपका प्रीवियस ईयर का सिर्फ, लेकिन आज का लेक्चर में हम ऐसा किए कि हर एक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन का सेलेक्ट किए हैं, ताकि आपका चैप्टर पूरी तरह से रिविजन हो जाए, ताकि आगे आने वाला प्रीवियस ईयर में आपका सब टॉपिक वाइज है, और आसान आसान क्वेश्चन है, आसानी 3D का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आसान आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहे, समझ गए, आपका टॉपिक भी सारा रिवीजन हो जाए, और आगे आने वाला क्वेश्चन को और भी जो हल्का हल्का धीरे धीरे लेवल प्रीवियस ईयर में भी हम अपना लेवल इस तरह से सिलेक्शन किए क्वेश्चन का, समझ गए, कि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे और आगे आने वाले हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट लें, समझ गए, ठीक है सर। तो देखिए, आप मेंस 2017 का है, क्या कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से क्या निकालना है डिस्टेंस, फ्रॉम द प्लेन, उस प्लेन से जो पास इस पॉइंट से कर रहा और उसका जो नॉर्मल है, जो प्लेन का क्या है नॉर्मल, इस पर परपेंडिकुलर है और इस पर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर, तो इसके मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो और परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन रेशियो और परपेंडिकुलर, और जो प्लेन पास कर रहा है वो यहां से पास कर रहा है, तो क्या आ जाएगा ए एक्स माइनस वन, सब एक ही जैसा क्वेश्चन लगता है, समझ गए, प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी और जेड प्लस वन इज इक्वल टू क्या, ये सब जो और क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जे मेंस में तो कोई दमी नहीं, जबकि सब अधिकांश क्वेश्चन आज IIT का ले रखे हैं, मेंस पर अब ज्यादा मेरा फोकस नहीं रहा, एडवांस का क्वेश्चन कर देंगे मेंस ऑब्वियस बात है कि आपसे बन जाएगा,
समझ गए, बट आपका कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए कि आपका पूरे चैप्टर को रिवीजन करवा रहे हैं कि आप क्वेश्चन के माध्यम से, समझ गए, हर एक टॉपिक आज देखिएगा, आप अपना टॉपिक से मिलाकर देखिएगा, हर एक टॉपिक आपका कवर रहेगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जिससे आज की क्लास में प्रीवियस ईयर से आपका छूट जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि एक भी टॉपिक छूट जाए, ऐसा कलेक्शन करके आए हैं ताकि आपका आगे आने वाला क्लास में फुल्ली एकदम बनाओ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए क्वेश्चन को। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब बोल रखा है कि ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल अगर इसमें समझ रहे हैं कहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई जे के, समझ गए, नॉर्मल के लिए फाइट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 1, समझ गए, ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, जितना जल्दी जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5, 7 और 3। तो क्या कर देंगे, 5, 7, 3 यहां रख लें, तो क्या आ जाएगा, 5x-1 + 7y+1 + c3z+1 = क्या आ जाएगा, 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा 5x + 7y + 3z + 5 = क्या बन जाएगा, 0। तो इसका डिस्टेंस पूछ रखा है इस पॉइंट से, तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो अपने तो रट्टा मार रखे हैं, क्या सेटिस्फाई कर दो, समझ गए, क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 5 + 21, यहां से आ जाएगा -21 और क्या आ जाएगा, +5, और अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा, 25, 49 और 9। ये कैंसिल हो गया, 10 बटा अंडर रूट आ गया आपका 83 ऐड करने पर। हाँ चलिए आपका क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2019 का है और ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस मेकिंग एंगल इतना, यानी कि एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से भी पास कर रहा, समझ गए, और वो जो प्लेन बनता है इस प्लेन के साथ क्या बनाता है, 45 डिग्री बनाता है। अच्छा तो इसके मतलब ये समझ चाहिए कि प्लेन के बीच में अगर 45 डिग्री बन रहा है तो इसके मतलब क्या होता है कि नॉर्मल के बीच में 45 डिग्री एंगल बनता है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो अपने को क्या है, दो पॉइंट के फॉर्म में नहीं पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, तीन पॉइंट के फॉर्म में तो अपने को पता है कि डिटरमिनेंट कर लेते हैं, लेकिन दो पॉइंट के फॉर्म में अपने को पता नहीं है, एक पॉइंट से रहता तो उसको डायरेक्ट पास करवा के कोई कंडीशन लगा लेते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं इसके कि सबसे मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं कि x + by + cz + d = 0, इसको मान लिए हैं। ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, खुद से कर लेते हैं, और खुद से क्या मान लेते हैं बी, लिखते हैं पासेस थ्रू ए, ए का क्या है 0 - 1 - 0। तो क्या करते हैं, अगर इससे पास करा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने मतलब ये 0, ये माइनस बी हो गया, ये 0 हो गया, अब +d = 0, तो b = d आ गया आपका, आ गया, और क्या करता है, पासेस कहाँ से करता है, ये पासेस थ्रू b, वो b क्या है 0 - 0 - 1, तो 0 - 0 - 1 मतलब ये 0, ये 0, और ये क्या आ गया 1 से पास करेगा, तो c + d = 0, यानी c का वैल्यू क्या आ गया -d, तो सब d के रिस्पेक्ट में आ गया वैल्यू। तो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा अब क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बन गया वो अब क्या बन गया हमारा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बन गया कि a का वैल्यू तो कुछ भी नहीं आया इसके टर्म में, d के टर्म में a का वैल्यू तो नहीं आया, तो a को x ही रहने दो, d के टर्म में b का वैल्यू क्या आ गया, b के स्थान पर dy कर दें, तो क्या आ गया +dy, और क्या आ जाएगा c के स्थान पर क्या कर देते हैं -d, तो -dz, और प्लस क्या आ जाएगा d = क्या आ जाएगा 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, और क्या बोल रहा है, ये प्लेन और ये प्लेन के बीच का जो एंगल बना है वो 45 डिग्री बना है, तो अपने जानते हैं कि इसके नॉर्मल के बीच में 45 डिग्री बनता है, समझ गए, इसके 45 डिग्री इसके नॉर्मल के बीच में बनता है, तो क्या आ जाएगा cos 45 डिग्री = क्या आता है a.b / मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये सब याद है ना, तो क्या आ जाएगा a.b होने का मतलब क्या है कि इसका डॉट इसके कोफिशियंट से, हाँ इसका डायरेक्शन रेशियो, समझ में आता ना ये बात को कि ये प्लेन इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल ए का ए पहले तो है ही नहीं, तो इसका पहले क्या आ जाएगा 0, कुछ जो सोचिए ना यहाँ पर क्या होगा 0 × x होगा ना, 0 × x, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 0 से 0 हो गया, अब क्या है dy, तो y का कोफिशियंट है d, और यहाँ पर क्या है 1, तो क्या आ जाएगा +d
प्लस डी, और इसके बाद क्या है कि जेड का कोफिशियंट है माइनस डी, यहाँ पर जेड का कोफिशियंट है माइनस, क्या आ जाएगा प्लस, और ए, और हाँ तो ए डॉट बी हो गया। और जैसे कॉस 45 डिग्री कभी भी अगर एंगल निकालने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा मॉड लगाकर बनाएं, क्योंकि हमेशा हम क्या बनाते हैं एक्यूट एंगल बनाते हैं, समझ गया। आपको स्लोप के फॉर्म में 2D में भी बताए होंगे कि कुछ भी नहीं बोल रखा था, टेन थीटा भी मानते थे तो हम लोग क्या मानते थे m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 m1 m2, क्योंकि जब तक कुछ नहीं बोल रखा था हम लोग एक्यूट मान के चलते हैं, उसको ऑप्टिव्ज बनाना रहेगा तो ऑप्टिव्ज खुद मांग लेगा हाँ, इसलिए मॉड बनाकर का काम हमेशा चलाइए, समझ गए। कभी भी अगर बनाते हैं और फिर क्या आ जाएगा अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसका क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, सिर्फ 1 1 आ जाएगा, समझ गए। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा a² d² d² a² d² d² + d², तो क्या आ जाएगा इस तरफ से 1/√2 बन जाएगा, इस तरफ से क्या बन जाएगा, इस तरफ से क्या बन जाएगा +2d, और ये √2, और ये क्या बन गया a² d² और d², तो √2 से √2 कैंसिल हो गया आपका, √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, इसको इस तरफ लेते चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा अंडर रूट a² d² और क्या आ जाएगा d² = 2d, समझ गए। अब क्या कर लेते हैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या जाएगा a² 2d² इस तरफ क्या आ गया 4d², तो क्या आ जाएगा a² = 2d² और a = आ जाएगा +√2d, तो a का भी वैल्यू क्या आ गया 2d के टर्म में आ गया a का वैल्यू, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा क्या हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया सब टोटल d के टर्म में आ गया, तो यहाँ क्या आ गया +√2x + dy - dz और +d = 0, सब में देखिए d है यहाँ, सॉरी यहाँ पर +-2dx ना, 2dx होगा ना, समझ में आ रहा बात को +-2dx, तो d क्या कर लिए कॉमन ले लिए, क्योंकि d क्या होगा कांस्टेंट ही होगा ना, तो d को क्या कर लिए कॉमन, और क्या कर लिए d को कॉमन लेकर क्या कर लिए इस तरफ भेज दिए, तो क्या आ गया आपका 0 बन गया, तो इस तरफ क्या बन गया +-√2x + y - z और +1 = 0, तो अब बोल रहा है कि ये पास कहां से करेगा, तो इसका दो आंसर आ गया, एक तो प्लस के साथ आ जाएगा +√x + y - z + 1 = 0 और एक आ जाएगा -√2x + y - z + 1 = 0, तो आपको क्या रखना है ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कौन इन दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अपना आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो डी अपना सेटिस्फाई कर जाता है, आप लोग चेक करना है, थोड़ा सा पेचीदा था क्वेश्चन, लॉन्ग था बट अधिकांश सब आसान ही रहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपका एडवांस 2012 का है और बहुत सब आसान आसान क्वेश्चन है, अधिकांश IIT का ही क्वेश्चन ले रहे हैं और कितना आसान आसान क्वेश्चन है। क्या द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस, एक प्लेन है जो इस प्लेन और इस प्लेन से पास कर रहा, तो p1 + λ p2 = 0 याद है, समझ गए। एंड और वो जो प्लेन है वो जो इसके इससे प्लेन से बना वो 2/3 √ यहाँ इस पॉइंट से है, डिस्टेंस पे है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा p1 + λ p2 = क्या आ गया 0, तो p1 के नाम पर क्या आ जाएगा x + 2y + 3z - 2 और क्या आ जाएगा +λ x - y + z - 3 = क्या आ गया 0, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको क्या आ जाएगा λ + 1x आ जाएगा λ + 1x, इसके बाद क्या आ जाएगा 2y और ये तो आ जाएगा 2 - λ y आ जाएगा ना, आ जाएगा ना -λ, इसके बाद क्या आ जाएगा इस तरफ से 3 इस तरफ से लेमडा, क्या आ जाएगा λ + 3 और क्या आ जाएगा z और कॉफिशियंट क्या आ जाएगा -3λ + 2, हाँ ये माइनस के कारण दोनों माइनस कॉमन ले लिए, ये क्या आ गया 0। अब ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है इस पॉइंट से 2/√3 डिस्टेंस पे है, समझ गए बात को, ये 2 तो डिस्टेंस आपको क्या दे रखा है इस पॉइंट से, समझ गए, इस पॉइंट से इस प्लेन का लेमडा टर्म में, तो लेमडा का वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा इस पॉइंट से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2/√3, और इस पॉइंट से बोल रहा है तो क्या होता है पॉइंट को डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं एक पॉइंट और एक प्लेन का डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो सेटिस्फाई करने का मतलब कि एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है तो क्या आ जाएगा λ + 1 × 3 क्या आ जाएगा 3 +2 - λ और वाई का नाम पर क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा λ + 3 और -1
और इस तरफ से क्या आ जाएगा माइनस थ्री लेमडा प्लस टू, समझ। इसको लगा के चलते हैं, मोड में लगा के चलते हैं, याद है मोड में। और अंडर रूट क्या आता है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका क्या, लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस टू माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, और क्या आ जाता है प्लस लेमडा प्लस थ्री का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, समझ गए। ए बी सी जो रहता है उसका होल स्क्वायर इजक्वल टू क्या, टू बाई रूट थ्री। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, ऊपर से क्या आ जाएगा देखिएगा, थ्री लेमडा और माइनस थ्री लेमडा ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ से थ्री लेमडा, इस तरफ से माइनस थ्री लेमडा, कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या है, इस तरफ से आएगा लेमडा माइनस लेमडा आएगा ना, माइनस लेमडा, और ये भी आ जाएगा आपका माइनस लेमडा, कितना बन जाएगा माइनस टू लेमडा, समझ गए। ये क्या बन जाएगा आपका माइनस, मॉडुलस में माइनस टू लेमडा, और कॉन्स्टेंट आपके पास कितना आ जाएगा प्लस थ्री और प्लस टू फाइव, और माइनस थ्री और माइनस टू वो तो वो कट गया, वो जीरो आ जा रहा है, कॉन्स्टेंट है ही नहीं। फिर अंडर रूट में मिलाते हैं कितना आ जाएगा आपके पास, लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, थ्री लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, थ्री लेमडा स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टू लेमडा, यहाँ से आ गया प्लस टू लेमडा ना, प्लस टू लेमडा ना, प्लस टू लेमडा, इस तरफ से ये आ जाएगा माइनस फोर लेमडा, और ये आ जाएगा प्लस सिक्स लेमडा, तो प्लस सिक्स एट, फोर लेमडा आ जाएगा ओवरऑल, समझ गए। ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका फोर लेमडा, और कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा वन फोर नाइन, यानी कि फोर्टीन, फोर्टीन प्लस फोर्टीन इजिक्वल टू क्या है टू बाई रूट थ्री है। ये टू से ये टू कैंसिल कर देंगे, मॉड के बाहर तो टू ही आ जाएगा ना, मॉड के बाहर तो टू ही आएगा, तो वो टू से टू कैंसिल हो ही सकता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री, और इसमें आ जाएगा लेमडा, समझ गए, माइनस गया बाहर में। हाँ, और ये क्या आ जाएगा इस तरफ से थ्री लेमडा स्क्वायर प्लस फोर लेमडा और प्लस फोर्टीन, स्क्वायरिंग क्या कर ली बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा थ्री लेमडा स्क्वायर आ गया, इस तरफ से थ्री लेमडा स्क्वायर फोर लेमडा और प्लस फोर्टीन, तो ये से ये चला गया, तो क्या आ जाएगा फोर लेमडा प्लस फोर्टीन इजक्वल टू क्या आ गया जीरो, तो लेमडा इजक्वल टू आ गया माइनस फोर्टीन बटे फोर माइनस सेवन बाई टू, ये लेमडा का वैल्यू आ गया। तो लेमडा का वैल्यू आते हैं यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर इमेजिन कीजिए क्या है माइनस सेवन बाई टू, तो टू एलसीएम आ जाएगा, टू एलसीएम आ जाएगा, और टू इस तरफ भी चला जाएगा, टू एलसीएम आते हैं ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब कुछ, तो क्या बन जाएगा आपका टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस सिक्स जेड और माइनस फोर, और ये टोटल माइनस सेवन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कर देते हैं प्लस, यहाँ यहाँ तो माइनस सेवन होगा, माइनस सेवन बाई टू है तो माइनस लगा देते हैं, और सेवन को अंदर लेते चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा सेवन एक्स माइनस सेवन वाई प्लस सेवन जेड और माइनस इक्कीस इजिक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, और जो टू एलसीएम लिए थे तो वो तो हो गया, टू एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई और प्लस सेवन वाई क्या आ जाएगा प्लस एलेवन वाई आ जाएगा। हाँ, क्या आ जाएगा एलेवन वाई, सिक्स जेड और ये माइनस सेवन जेड माइनस जेड और माइनस फोर और प्लस इक्कीस यानी कि प्लस सत्रह इजिक्वल टू जीरो, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करके फाइव एक्स माइनस एलेवन वाई प्लस जेड और माइनस सत्रह इजिक्वल टू जीरो, कोई आंसर आ रहा। हाँ, इस तरफ चला जाएगा सत्रह, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए क्या है, ये भी आपका मेंस 2019 का क्वेश्चन है। क्या है कि अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, समझ गए, प्लेन पास कर रहा है इसके दोनों प्लेन से, और वो पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस का, वो पैरेलल किसका हो जाता है वाई एक्सिस का, जो तो क्या आ जाएगा पी वन प्लस लेमडा पी टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और ये जो इससे जो प्लेन बनकर आएगा वो वाई एक्सिस के क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है, यानी प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो सबसे पहले प्लेन लिख लेते हैं, प्लेन के नाम पर क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लेमडा, और पी टू के नाम पर क्या आ गया टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड और प्लस फोर इजिक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। इसको लेमडा टर्म में लिख लेते हैं, तो एक्स और इस तरफ से टू लेमडा तो क्या आ जाएगा टू लेमडा प्लस वन, इस तरफ से वाई इस तरफ से थ्री लेमडा तो क्या आ जाएगा थ्री लेमडा प्लस वन वाई, और इस तरफ से माइनस लेमडा इस तरफ से प्लस वन क्या आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस वन और क्या आ जाएगा जेड, और कॉन्स्टेंट क्या आ गया माइनस वन और इधर इस तरफ से क्या आ जाएगा फोर लेमडा, तो फोर लेमडा माइनस वन इजिक्वल टू जीरो। ये अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया है, और किसके है ये जो प्लेन बना, मान चलिए ये प्लेन ये बना हुआ है, ये पैरेलल किसके है बेटा वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा जीरो वन जीरो आ जाएगा, जीरो वन जीरो हो जाएगा, और ये इसका नॉर्मल इस पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या है ये
ये है नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल है इसका नॉर्मल, दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया ना, तो क्या आ जाएगा 2λ + 1 × 0, समझ गए, यानी सिंपली इससे इससे आंसर आ जाएगा, बाकी तो इससे इससे जीरो ही हो जाएगा ना, तो आंसर सिर्फ इसी से आएगा ना, तो क्या आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3λ + 1 × 1, और दोनों का डॉट जीरो आना था, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया -1/3 आ जाएगा, -1/3 यहाँ रख लिए, -1/3 यहाँ, तो 3l से मार्के 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया ये 3x + 3y + 3z + 3, समझ गया, और -1/3 और 3 तो इस तरफ एल सी इस तरफ जीरो हो गया, और ये माइनस टोटल हो जाएगा -2x + 3y - z + 4, कैंसिल कितना हो जाएगा x बच जाएगा इससे इससे गया 3y - 3y, ये तो ये से कैंसिल हो गया 3z और माइनस माइनस +4z, और कांस्टेंट कितना गया 3 - 4 - 1 = 0, x प्लस अच्छा ये बोल रहा है कहाँ से पास कर रहा है, पहले सही आ गया है x + 4z इस तरफ आ रहा है -7, हम लोग गलती कर लिए क्या, एरर सही है, एक मिनट ये -3 आ रहा है क्या, -3 अच्छा ये -3 हो जाएगा ना, ये -3 होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करके -3 होगा ना, तो माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 7, ये जो है ऑप्शन आपका डिसटिस्फाई कर जाएगा, हाँ कितना जा रहा 3 2 कितना हो गया 3 ये 8 और 3 11, अरे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्या बन जाएगा इसको 3 सेटिस्फाई करते हैं कितना बन जाएगा, ये सही है ना, तो -7 = 0, तो ऑप्शन डी नहीं सॉरी ऑप्शन बी कौन सेटिस्फाई करेगा, डी देखिए तो 3 + 8 - 7 = 0, तो 11 - ये तो सेटिस्फाई ही नहीं किया, समझ गए, तो ऑप्शन बी देखिए तो सेटिस्फाई कर रहा, ये कितना आ गया -3 + 4, अच्छा सॉरी हम लोग गलती कर रहे हैं, तो जेड है ना वाई तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, अरे इसमें वाई नहीं है ना, ये 2 तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, हाँ अब देखिए 3 और ये 1 सेटिस्फाई करेगा ना इसको, तो +4 - 7 सेटिस्फाई कर गया, तो ये आपका आंसर हो गया, वाई इसमें है ही नहीं, 0 × y मान के चलिए, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका IIT 2005 का है, क्या है क्वेश्चन कि इफ द थीटा बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, सबसे पहले इस बात को समझिए कि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल बोल रहा तो वो साइन थीटा बनकर आता है, और कॉस क्या बनकर आता है 90 - थीटा, याद आ रहा हल्का हल्का कि लाइन और प्लेन के बीच जो एंगल बनता है वो साइन थीटा से बनता है, एक्चुअली बनता है कॉस 90° - थीटा ही, और वही फॉर्मूले लगाते हैं a.b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, लेकिन ये क्या बन जाता है साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 1/3, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वी नो दैट, और a.b होने प्लेन, और इसका आप क्या कर लेंगे कि डायरेक्शन रेशियो लाइन का और डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का, प्लेन और लाइन के बीच में एंगल बनने का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन के बीच में एंगल बनाना साइन थीटा के रूप में, तो क्या आ जाएगा इसका डॉट इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का डॉट करेंगे ये आ गया -2, और 2 का करेंगे इस लेमडा जेड से तो आ जाएगा +2√λ, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आ जाएगा 144, और मैग्नीट्यूड ऑफ इसका आ जाएगा 4+1 और +λ, हाँ √λ का स्क्वायर आएगा, और साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 1/3, समझ गए साइन थीटा वैल्यू क्या दे रखा है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इसको इस तरफ लेते चले जाते हैं, हाँ इसको इस तरफ 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा 5+λ = ये क्या बच गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया 2√λ, स्क्वायरिंग कर लिए बोथ साइड, तो 5+λ और 4λ, तो ये इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया तो क्या आ गया 3λ, तो 5 = क्या बन गया 3λ, तो λ = आ गया 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपका IIT 2009 का पूछा हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है कि एक लाइन है जिसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लिया है, समझ गए, अ लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से तो क्या करता है पास करता है, एंड वो जो लाइन है जो इससे पास करता है मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब वो इक्वल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन बनाता है तो उसका एक रिलेशन याद है cos²α + cos²β + cos²γ = 1, और अल्फा बीटा गामा सब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो वहां से क्या आ जाएगा
थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस वन वाई रूट थ्री। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन आता है, बता रखे हैं, समझ गए। तो लेकिन बोला है प्लस लेने के लिए, हम पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि क्या आ जाएगा आपका जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री और वन बाई रूट थ्री। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, ये हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन का ऊपर वाला क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है वन वन वन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, ये तो डायरेक्शन रेशियो हो गया, इस पॉइंट से क्या कर गया पास कर गया। तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई वन, वाई प्लस वन बाई वन और क्या आ जाएगा जेड माइनस टू बाई वन। चलिए सही है, यहां तक हम लोग क्वेश्चन कोऑर्डिनेट एक्सिस कर लिए। इसके बाद क्या बोल रहा कि दी लाइन, ये जो लाइन है मीट्स द प्लेन, इस प्लेन पे मिटता है क्यू पे, तो बताइए कि पी क्यू का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये लाइन जो होता है प्लेन पे मिलता है, ये लाइन जो है क्या करता है प्लेन पे इंटरसेक्ट करता है। तो क्या करते हैं एक लेमडा टर्म में मान लेते हैं इसको, हाँ, और उसको क्या करेंगे प्लेन में सर, बोलते हैं ना आपको कि एक लाइन और एक प्लेन अगर इंटरसेक्ट करता है या मीट करता है तो लाइन का जनरल पॉइंट मीट करता है। तो इसका जनरल पॉइंट मीट करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा टू, और इसका जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा लेमडा प्लस टू आ जाएगा, तो लेमडा प्लस टू आ जाएगा, फिर प्लस वाई का स्थान पर सीधे लेमडा माइनस वन, लेमडा माइनस वन ना वाई का स्थान पर, प्लस जेड के स्थान पर लेमडा प्लस टू, लेमडा प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका नाइन। जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेमडा प्लस टू, लेमडा माइनस वन, लेमडा प्लस टू, जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो लेमडा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास वन, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा वन। अब बोल रखा है कि इंटरसेक्ट किया है लाइन और प्लेन, जो इंटरसेक्ट किया है वो क्यू पे मिला है, तो क्यू का पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, तो क्यू का जनरल पॉइंट कौन था लेमडा प्लस टू, लेमडा माइनस वन, लेमडा प्लस टू, तो कितना आ जाएगा थ्री, और यहाँ जीरो हो गया और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा थ्री, जनरल पॉइंट ही हो गया था ना लेमडा प्लस टू, लेमडा माइनस वन, लेमडा प्लस टू। हाँ, तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अपने को पी क्यू पता है, अपने को पी पॉइंट पता है, पी 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 ये है ना, तो थ्री माइनस टू यानी कि वन, जीरो माइनस वन यानी कि वन, थ्री माइनस टू यानी कि वन, रूट थ्री आंसर आ गया अपना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट थ्री का मतलब बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवांस 2012 का है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा दे दिया है, समझ गए, सिर्फ ये कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब डायग्राम वगैरह बनाइएगा, बन जाएगा बहुत आसानी से बन जाएगा, समझ गए। और हाँ, क्या लिख रखा है, द पॉइंट पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस विद द प्लेन दिस। देखिए क्या बोल रखा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि एक पॉइंट पी है वो इंटरसेक्शन है, किसका है, अ स्ट्रेट लाइन जो क्यू आर से बना है, जो क्यू आर से एक स्ट्रेट लाइन बना है वो क्या करता है प्लेन को कट कर देता है। सिंपल सी बात है भैया, स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट दे दिया था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल ही लेंगे। अब प्लेन पर कट कर रहा, दैट मीन्स लेमडा टर्म मानकर इसी में सेटिस्फाई करके लेमडा का निकाल लेंगे, तो पी का वैल्यू निकल जाएगा। यहां तक क्लियर कट है, तो चलिए पहले बना लेते हैं जो जो बोल रखा है। एक प्लेन है, प्लेन क्या है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, फाइव एक्स माइनस फोर वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वन। एक क्या करता है स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है क्यू आर, क्यू टू थ्री फाइव, एक है आर, समझ गए, वो क्या है वन माइनस वन और फोर, इसको प्लेन को कट कर देता है। तो सबसे पहले इक्वेशन, पहले क्या रहता था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया रहता था, अब वो बोल रहा था कट करता, पर नहीं दिया, दो पॉइंट के फॉर्म में दिए थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पी पॉइंट निकालते हैं, अब पी पॉइंट जो है वो प्लेन पर है, देखो ना बोल रखा है द पॉइंट पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, तो पी 100% अंदर ही होगा, समझ गए। तो पी पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं क्यू आर, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू आर इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं, क्या इससे पास करवा लेते हैं, तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस वन, वन कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो, फिर क्या आ जाएगा वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, देखो ना दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, फिर क्या आ जाएगा जेड माइनस फोर, जेड माइनस फाइव ना, जेड माइनस फाइव और डिवाइडेड बाई वन, सही है ये वन फोर वन, और अच्छा 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 अच्छा, ये तो पता है कि ये जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा, तो इसका जनरल पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, समझ गए, यानी कि जनरल वो पॉइंट पी आ जाएगा, समझ गए, यानी पी पॉइंट क्या आ जाएगा वो बताते हैं आपको, लेमडा टर्म डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा ना इसका जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा लेमडा प्लस टू, बोलो सही है, फिर क्या आ जाएगा माइनस फोर, वाई के नाम पर क्या आ जाएगा फोर लेमडा प्लस थ्री आ जाएगा, और जेड के नाम पर लेमडा प्लस फाइव, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन।
जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास -2/3, समझ गए बात को। लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2/3। तो पी जो पॉइंट है वो आ जाएगा, पी पॉइंट कौन हो जाएगा लेमडा टर्म में, लेमडा प्लस टू, फोर लेमडा प्लस थ्री, लेमडा प्लस फाइव, ये है कौन पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो वो जब लेमडा का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा तो वो जो पी पॉइंट है आपके पास आ जाएगा 4/3, 1/3 और क्या आ जाएगा 13/3, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, समझ गए, यहां तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या बोल रखा है, इफ एस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एस क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टी, टी पर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है टू क्यू आर, यानी प्लेन पे नहीं डाला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू आर पे डाला है, कहां से डाला है टी से डाला है, किस पे डाला है एस पे डाला है, सॉरी उसका नाम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एस नाम दिया, वो क्यू आर पे है, यानी कि एस जो है पी आर पी पे नहीं, प्लेन पे नहीं है, यानी कि मान लेते हैं कि टी पॉइंट यहां होगा और टी पॉइंट क्या होगा 2, 1, 4, इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, मानते हैं ये पॉइंट क्या है एस, ये पॉइंट क्या है एस, तो इसका एस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होगा कि एस का पॉइंट निकालने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट तो अपने को पता है और इसका एक जनरल पॉइंट मान ले क्यू आर का, तो वो जनरल पॉइंट यही आ जाएगा लेमडा प्लस टू वाला, समझ गया, और फिर दिस माइनस दिस और इसका डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या करवा देते हैं डॉट और विथ क्या आ जाता है जीरो, समझ गए, देखिए ना एस टी, एस टी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो एस टी का डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या आ जाएगा जीरो, तो एस को क्या मानना पड़ेगा लेमडा टर्म में पॉइंट मानना पड़ेगा, कोई इस सबसे पॉइंट से काम मत चला लीजिएगा, समझ गए, एस एक अलग फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, समझ गए, तो जनरल पॉइंट इसका तो यही आ जाएगा ना, समझ गए, जनरल पॉइंट यही आ जाएगा इसका, तो क्या करेंगे जनरल पॉइंट अगर ये आता है तो इसको अगर एस मान लेते हैं, ऐसे तो ये पी ऑलरेडी मान चुके हैं, इसको पी ऑलरेडी मान चुके हैं लेमडा प्लस टू को, लेकिन अगर एस मान ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना क्यों मान रहे हैं इसको, समझ, तो एस चाहिए तो आप ये मान लीजिए म्यू प्लस टू, समझ गए, म्यू प्लस टू क्या आ जाएगा 4 μ + 3, ताकि अलग कुछ लगे, तो फिर क्या आ जाएगा म्यू प्लस 5, समझ गए, अब क्या आएगा इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो डॉट विथ, डॉट विथ इसका डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अब थोड़ा मिटाकर काम चला लेते हैं, मिटाकर काम चला लेते हैं, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एस टी, एस टी परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगा क्यू आर, क्यू आर, तो क्या आ जाएगा दोनों का डॉट क्या आ जाएगा जीरो, तो क्या आ जाएगा म्यू प्लस टू माइनस टू, तो क्या आ जाएगा सिर्फ म्यू, और म्यू का डॉट विथ किसके साथ था, मैंने इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट किसके साथ था, तो डायरेक्शन रेशियो भूल गए लिखना ना, डायरेक्शन रेशियो क्या था 1, 4, 1 आ गया था डायरेक्शन रेशियो ना, इसका क्या कर लेते हैं 1 आ जाएगा ना 1 इसका डायरेक्शन रेशियो, फिर क्या आएगा 4 μ + 3 और -1, तो क्या आ जाएगा 4 μ + 2, 4 μ + 2 और इसका कर देंगे 4 से डायरेक्शन रेशियो, ये 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा μ + 5 - 4, तो μ + 1 और डॉट विथ क्या कर लेंगे 5 - 4 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो जो म्यू का वैल्यू है, म्यू का वैल्यू आ जाएगा -1/2, समझ गए, -1/2 जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, तो जब एस में इसको पुट कर देंगे तो एस का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपका 3/2, 1 और 9/2, तो बोल रखा है क्या निकालने के लिए, देन लेंथ ऑफ द लाइन पी एस, तो पी ए है एस ये है, तो अब तो पी एस निकाल लीजिएगा ना, बहुत आसानी से पी एस का लेंथ निकल जाएगा ना, क्या निकल जाएगा 4 - 3, 4/3 -3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा +1/3 -1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा 13/3 -9/2 का होल स्क्वायर, इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आसान तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, आप अगर एडवांस के लिए मेरा लेक्चर पढ़ रहे हैं तो इतना सॉल्व करना बनता है और आंसर आ जाएगा आपका 1/√2, ऐसे कर देते हैं बट क्या करना आप कर लेना, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन कंटेनिंग टू लाइन्स, या लिख इसको लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, दोनों बात सेम है, समझ गए, ये टॉपिक का नाम है, इससे रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ गए, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या है, सब कुछ समझा रखे हैं, बस इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन लिए ताकि ये आपका हाँ लगे कि नहीं ये तो बहुत आसान हो चुका है। और क्या देखा है कि इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर,
तो दोनों लाइन कोप्लेनर होने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन एक प्लेन के अंदर आ गया होगा, समझ गए? तो उसका कंडीशन क्या लगा ले, आपको कोप्लेनर का कंडीशन बनाएंगे बॉक्स इक्वल टू जीरो, याद आ रहा? लेकिन वहां यहां समझ लीजिए पहले कि मान के चलिए बेटा ये आपका प्लेन है, समझ गए? ये आपका क्या है? प्लेन। यहां पर लाइन L1 है, समझ गए? और लाइन क्या है? L2 भी इस तरह पड़ा हुआ है, समझ गए? लाइन L2 भी पड़ा हुआ है। तो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि दो, मान चलिए इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा, लाइन के अलोंग डायरेक्शन रेशियो के अलोंग इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा, समझ गए बात? यानी कि दो वेक्टर इसमें लाई कर रहा है। अच्छा, लाइन L1 पर कोई पॉइंट होगा, लाइन L2 पर कोई पॉइंट होगा, तो इसके डायरेक्शन अलोंग एक और वेक्टर बन जाएगा, यानी कि इस प्लेन के अंदर कितना वेक्टर बन गया? थ्री वेक्टर। तो थ्री प्लेन का कोई फैक्टर क्या होता है? मान चलिए तीन वेक्टर एक प्लेन के अंदर है, तीन वेक्टर एक प्लेन के अंदर है, तो कोप्लेनर का क्या आ जाता है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या लगा लेते हैं? जीरो। ये कंडीशन लगा लेते थे। तो तीन वेक्टर कैसे कैसे लाए बेटा? एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये हो जाएगा, एक लाइन का ये लाइन मान चलते हैं एल वन का डायरेक्शन रेशियो, एल टू का ये, और तीसरा कैसे निकलेगा? पॉइंट माइनस पॉइंट, पॉइंट माइनस पॉइंट, पॉइंट माइनस पॉइंट, समझ गए? और डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या लगा लेंगे? जीरो। तो याद के सीधे रखिएगा कि आज के बाद कि अगर दो लाइन क्या बन जाता है? कोप्लेनर बन जाता है। क्या बोल रहे बेटा? कि दो लाइन क्या बन जाता है? कोप्लेनर बन जाता है। तो पहला रो में क्या लिखिएगा? पॉइंट माइनस पॉइंट, कैसे भी लिख लो, किसे दाएं बाएं कर दोनों तो माइनस में ही अंतर आएगा ना, तो डायरेक्शन से हम कुछ भी कर लेते हैं, समझ गया? डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते, एक ऊपर नीचे आ गया, पहले कहेगा अच्छा सर तो बोले थे पॉइंट माइनस पॉइंट, अरे भैया पहले डायरेक्शन रेशियो ही लिख लो लाइन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे बात को? एक ऊपर नीचे कर लिए तो क्या आएगा? माइनस में अंतर आएगा ना सिर्फ, तो वो तो यहाँ पर समझ रहे ना, प्लेन में माइनस वगैरह सब इधर उधर कर लेंगे, डायरेक्शन नॉर्मल आएगा ना एक्चुअली। अच्छा, बॉक्स इक्वल, ये बात पूरी क्लियर है कि दो वेक्टर कैसे लिखते हैं? तो कंडीशन फॉर पैरेलल क्या आ जाएगा? कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, समझ रहा? कंडीशन ऑफ कोप्लेनर क्या करेंगे? पॉइंट माइनस पॉइंट कर लेते, पॉइंट यहां पर कितना है? टू। यहां पर पॉइंट कितना है? वन। तो यहां पर दोनों का डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा? वन, पॉइंट माइनस पॉइंट। हाँ देख लो ना, यहां पर अच्छा से लिख लेते, एक पॉइंट क्या है? टू थ्री फोर, और एक पॉइंट क्या है? वन फोर फाइव। ये पॉइंट माइनस पॉइंट एक वेक्टर ही बनेगा, तो वो एक वेक्टर क्या आ जाएगा? टू माइनस वन, थ्री माइनस फोर माइनस वन, फिर क्या आ जाएगा? फोर माइनस फाइव माइनस वन। एक वेक्टर के लाऊंग ये, तो इसका डायरेक्शन रेशियो वन वन माइनस के, और एक इसके लाऊंग, इसके लाऊंग के टू वन, के टू वन इज इक्वल टू जीरो। याद आ रहा, बॉक्स इक्वल टू जीरो, वही लगा दिए ना कंडीशन ऑफ कोप्लेनर। हाँ, जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वन माइनस माइनस वन, वन वन माइनस के, के टू वन, हाँ, तो इसको क्या करते हैं? प्लस माइनस प्लस, समझ गए? तो ये क्या आ जाएगा? टू के, टू के प्लस वन आ जाएगा, टू के प्लस, देखो ना वन, और इस तरफ से प्लस टू के आ जाएगा माइनस के कारण, इस तरह माइनस माइनस प्लस वन ही हो गया, समझ गया? तो ये कवर वन और प्लस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस वन बन गया, और ये प्लस माइनस माइनस बन गया, और ये कवर टू और माइनस के, क्या आ गया? टू माइनस के इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? के स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट कितना आ गया? वन वन टू और माइनस टू से जीरो हो गया, देखो ना वन वन टू और माइनस टू, और के कितना गया? टू के माइनस के, प्लस के इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। तो के का वैल्यू कितना गया? के प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। तो के का वैल्यू आ गया जीरो और माइनस वन, तो के का कितना वैल्यू आ गया? ये तो पूछ रखा था, देन द वैल्यू ऑफ के, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है, नहीं सिर्फ जीरो और माइनस वन ही हो सकता है के का वैल्यू, एग्जैक्टली वन वैल्यू नहीं, एग्जैक्टली टू वैल्यू, ये अपना क्या आ गया? आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा हमको पता रहता था और क्वेश्चन का कलेक्शन कर लेते, हमको पता नहीं था। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका एडवांस 2012 का है, इससे जो जस्ट पहले जो क्वेश्चन करवाए थे वो एडवांस 2016 का था, नहीं सॉरी, इसे जस्ट जो पहले क्वेश्चन करवाए थे 2012 मेंस का था कोप्लेनर वाला, और अभी 2012 एडवांस का है, समझ गए? देखिए को सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है? इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, के टर्म में दे रखा है, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, समझ रहे हैं? तो बोल रहा है देन द प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइन्स, तो इन सब में कौन सा प्लेन है जो इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है? कंटेनिंग कर रहा है, समझ गया? इसमें कौन प्लेन है जो क्या कर रहा है? इसको कंटेनिंग कर रहा, ये बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले कोप्लेनर का कंडीशन लगा देते, दोनों प्लेन बोल रखा है कि कोप्लेनर है, हाँ, तो बताए थे पॉइंट माइनस पॉइंट, पॉइंट माइनस पॉइंट, और फिर डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट और डायरेक्शन रेशियो ये, हाँ, तो क्या जाएगा? पॉइंट माइनस पॉइंट वन, और ये आ गया, ये माइनस वन है ना, तो माइनस टू आ गया, अगेन माइनस टू, फिर यहां प्लस वन, और यहां तो दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो,
क्योंकि ये माइनस वन और ये भी माइनस वन हो जाएगा और दोनों करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब डायरेक्शन से क्या जाएगा, टू के टू फाइव टू के इज इक्वल टू जीरो, कोप्लेनर इक्वल टू जीरो होता है, बॉक्स इक्वल टू जीरो, तो आंसर तो इसी आ जाएगा, इससे तो आंसर आने वाला भाई नहीं, तो सिर्फ प्लस के लिए सॉल्व कर लेंगे तो माइनस टू के स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये तो इस तरफ आके जीरो ही हो गया, ये इस तरफ तो के का वैल्यू प्लस माइनस टू आ गया, प्लस माइनस टू, तो दोनों लाइन क्या बन गया, दोनों लाइन देखो क्या बन गया, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, सॉरी पहले के का वैल्यू टू लेकर बनाते हैं, समझ गया, और के का वैल्यू दो आ गया ना, तो ऐसे भी बोल रखा है प्लेन एक से ज्यादा भी हो सकता है, देखा प्लेन्स लिख रखा है, इजार लिख रखा है, हाँ तो हम लोग केस वन बनाते हैं, केस वन में लेते हैं के का वैल्यू टू, समझ गए, तो इसी में रख दो ना के का वैल्यू टू, आंसर आ जाएगा अपना, क्योंकि ये भी तो कोप्लेनर का ही कंडीशन है ना, अरे ये कंडीशन किसका है, कोप्लेनर का है, यहां पर एक बार टू टू रख दीजिएगा एक आंसर, एक बार माइनस टू टू रख दीजिएगा एक आंसर, समझ बात को, क्योंकि यही दोनों लाइन थी, इसका कोप्लेनर का ही तो कंडीशन है, कोप्लेनर का ही तो कंडीशन है ये, समझ गए, तो आपको हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं, समझ गए, कि मान के चलिए एक प्लेन है और उसमें क्या है दो लाइन है, तो पास तो 100% है कि एक इसी में से कोई पॉइंट से पास करेगा, ये 100% मानते हैं, अच्छा ये भी बात आप मानते हैं कि ये जो कंडीशन लगाए हैं के वैल्यू टू रख देंगे तो प्लेनी का इक्वेशन आ जाएगा, माइनस टू रख देंगे तभी प्लेनी का इक्वेशन आ जाएगा, ये बात समझ गए, दूसरा तरीका बता रहे हैं क्या, कि एक प्लेन है उसमें दो लाइन है, एक प्लेन है उसमें क्या है दो लाइन है, हाँ तो जो नॉर्मल होगा इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, और 100% है किसी ना किसी पॉइंट से तो इसी लाइन का पास करेगा, वहां से भी मिला लेंगे, समझ गए, तो मान चलिए इससे पास करवा लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी जेड, हाँ और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल लेंगे, के का वैल्यू तो आ ही गया है, हाँ उन दोनों को क्रॉस कर देंगे वो आंसर आ जाएगा, हाँ आपका एक डिटर्मिनेंट से उससे बना दिया, आप ऐसे ही बना सकते थे जैसे पहला क्वेश्चन किए ना, तो ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, कोप्लेनर बोल रहा था आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दो लाइन बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो जो अपना आंसर आ जाएगा एक बी आ जाएगा और एक सी आ जाएगा, समझ गए, अब बना लोगे ना, एक बार टू रख टू टू रख दो, एक बार माइनस टू टू रख दो, या ऐसे सोच लो, समझ गए, एक बार के से टू से आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस टू से आ जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ देखिए इस क्वेश्चन ये आपका है एडवांस 2013 का क्वेश्चन, समझ गए, ये भी क्या है कोप्लेनर है, तो आपको दो दो तरीका बता रखे हैं, समझ गए, एक ये कि एक प्लेन के अंदर दो लाइन है, हाँ तो 100% है उसी पॉइंट से प्लेन भी पास करेगा, और जो नॉर्मल होगा दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो आईजे के लगाकर दोनों का डायरेक्शन, समझ रहे हैं ना बात को, और एक बॉक्स वाला बता दिए कि अगर दो लाइन पे है तो दोनों का पॉइंट करेंगे, एक वेक्टर और दो का वेक्टर, तो बॉक्स इक्वल टू जीरो लगा ले, हाँ तो वो हमको ज़्यादा आसान लगता है, ऐसे ज़्यादा कैलकुलेटिंग लगेगा, समझ गए, तो दो प्लेन है तब पहले ढंग से लाइन ही नहीं लिख रखा है, सही है, इसको बोल रखा है L1 और यहाँ पर लगा दिया है कॉमा, हाँ तो लेकिन L1 बोल रखा है समझो बराबर ही है, हाँ तो L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस फाइव, और डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाएगा जीरो, इस तरफ लेकर आए, और अगर ऐसे ही लिखा रहता है ना x माइनस फाइव, तो डायरेक्शन रेशियो नीचे वन के लेते हैं, समझ गए, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो वन हो जाता है ना, इसको इस तरफ लाते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, हमको भी आज तक कन्फ्यूजन होता है, समझ गया कि नीचे जीरो होगा कि वन होगा, लेकिन अब समझ में आ गया है कि इसको इस तरफ लाते हैं तो जीरो लगाते हैं, ऑलरेडी इस तरफ दिया रहता है तो नीचे वन लेते हैं, और इस तरफ क्या आ गया वाई थ्री माइनस अल्फा, और इस तरफ क्या आ गया जेड माइनस टू, इसी तरह एल टू क्या आ गया, इस तरफ लेकर आ रहे हैं तो एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जीरो वाई बाई माइनस वन और जेड बाई टू माइनस अल्फा, तो कोप्लेनर का कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, हाँ दो लाइन अगर दे रखा है तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनर क्या आ गया, सबसे पहली बात पॉइंट माइनस पॉइंट, तो पांच अल्फा, ये फाइव माइनस अल्फा, सोचो ना ये पांच है और यहां पर अल्फा है, तो फाइव माइनस अल्फा, इस तरफ जीरो इस तरफ जीरो, तो जीरो इस तरफ जीरो इस तरफ जीरो, डायरेक्शन रेशियो इसका जीरो थ्री माइनस अल्फा माइनस टू, जीरो माइनस वन टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, आंसर सिर्फ यहां से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइव माइनस अल्फा, समझ गए फाइव माइनस, और क्या आ जाएगा आपका इसका इससे 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 ना, तो क्या आ जाएगा थ्री माइनस अल्फा, और क्या आ जाएगा आपका टू माइनस अल्फा, और क्या आ जाएगा प्लस टू, नहीं सॉरी माइनस टू ही रहेगा, माइनस टू ही रहेगा, माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, समझ गया आ जाएगा, तो इस तरफ क्या आ जाएगा फाइव माइनस अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा छः माइनस टू अल्फा और माइनस थ्री अल्फा माइनस फाइव अल्फा, हाँ और प्लस अल्फा स्क्वायर,
और माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो क्या लिख लेते हैं, ये तो जीरो बराबर था ना पहले से, फाइव माइनस अल्फा, इसको क्वाड्रेटिक बना लें, अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव अल्फा प्लस फोर इक्वल टू जीरो ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव अल्फा प्लस फोर, हाँ तो क्या लिख सकते हैं, फाइव माइनस अल्फा और ये क्या आ गया अल्फा माइनस फोर अल्फा माइनस वन, समझ कर लेगा ना इसको, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से आ जाएगा जीरो बराबर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू फाइव ही आएगा, समझ रहा ना, अल्फा माइनस फाइव चाहे फाइव माइनस अल्फा दोनों कंडीशन में अल्फा वैल्यू क्या आने वाला है यही आने वाला है, फाइव माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो करेगा तो ये फाइव जाएगा तो वही आ जाएगा ना अपना, तो क्या आ जाएगा अल्फा का वैल्यू फाइव फोर वन, आंसर क्या आ गया डी और ये आ गया ना, अल्फा का वैल्यू वन फोर मिल गया फाइव है ही नहीं आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ देखिए ये क्वेश्चन एडवांस 2016 का है, अब समझिए सब कितना क्वेश्चन आसान है, आपका जितना भी करवाएं सब प्रीवियस ईयर अधिकांश क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का ही था, अब सोचिए सब कितना आसान था और कितना कम टाइम में कैलकुलेट करते चले गए, तो आप क्या कीजिए कि बस पढ़िए ईमानदारी से मेहनत कीजिए, हाँ अब आपका देखिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा जो छूटा है क्वेश्चन से, मेरा माध्यम से ऐसा एक सिंगल टॉपिक नहीं रहा जो छोड़े हों, सब टॉपिक ले लिए हैं, हाँ दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना और दो पॉइंट ऑफ प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, सोचिए किस कदर से आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन किए होंगे हम, समझे कि एडवांस का पूरे प्रीवियस ईयर खोजे, सोचिए कितना मेहनत करते हैं आपको लोग के लिए, और आप लोग पढ़ते ही नहीं हो यार, यहाँ से वीडियो बना बना कर भेजते हैं कि आप लोग पढ़ें पढ़ें पढ़ें, समझ गए इस गर्मी में, हाँ सही बोला गर्मी में फैन भी नहीं चलता है, हाँ ऐसा बात नहीं कि फैन नहीं है, फैन है बट आवाज़ जाता है, एसी छोड़कर सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आप लोग के लिए गर्मी में इतना पढ़ते रहते हैं, आपको रिकॉर्डिंग तो कम देर मिलता है, हम तीन घंटा शूटिंग करते हैं अपना रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर को, समझ गए, और इतना सब कुछ आसान बनाकर आपको देते हैं, बिल्कुल सब कुछ आसान बनाकर देते हैं हम, क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोलते हैं ताकि खुद से आपका नॉलेज बढ़े, सोल्यूशन पूरे इसलिए कर देते हैं, शायद पटना में रहते तो इतना हम सोल्यूशन नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पता है कि तुम कोई इतना क्वेश्चन देते तो अधिकांश तो सब तुम लोग बना ही देता, समझ गया, बट यहाँ तो पता नहीं किससे कौन बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा अच्छा फुल्ली सोल्यूशन कर देते हैं प्रीवियस ईयर का 2019 तक का फुल्ली सोल्यूशन, और सोचो कितना रिदम में लेकर चल रहे हैं, आपको कितना पूरे टॉपिक को ही कवर करवा दिए हैं, पूरे जितना थ्री डी पढ़े टोटल टॉपिक को कवर करा दिए हैं, तो जितना आपके लिए हम मेहनत करते हैं उतना आपका भी फर्ज बनता है कि उसी के रिस्पेक्ट में हमको भी उतना ही दे, हाँ जितना हम आपके लिए करते हैं, समझ गया, तो आप लोग सब क्वेश्चन बनाए होंगे और हमको कमेंट में ये बताइएगा कितना क्वेश्चन आज, शायद 15-16 क्वेश्चन करवाए होंगे, कितना क्वेश्चन आज आपसे बन गया है, समझ गए, ये जरूर से जरूर बताना मुझे कि कितना क्वेश्चन तुम खुद से बनाया है, समझ गया, और आपका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर प्रीवियस ईयर कहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा जाएगा क्योंकि पूरे चैप्टर का कवर करवा चुके हैं, ठीक है इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या बोल रखा है देखिएगा कि लेट पी बी द इमेज ऑफ पॉइंट दिस, यानी जो P है इस पॉइंट का इमेज है, समझ गए, जो P है इस, सॉरी लेट P बाय द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द, और इस क्वेश्चन थोड़ा सा करवाए हैं शायद, इसे खैर बना देते हैं, क्या बोल रखा है लेट P बी द इमेज ऑफ पॉइंट इतना, हाँ यानी इस इमेज, इस पॉइंट का इमेज है P, समझ रखा, लेट P बी द इमेज, P इमेज है किस पॉइंट का, इस पॉइंट का, समझ गया, किसके रिस्पेक्ट में, एक प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो मान लेते हैं यहाँ प्लेन है, समझ गया, और यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट जो है 317 है और इसका इमेज जो बन रहा है, समझ गया, इसका जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है मान पर चलिए P, वो बन रहा होगा मानते हैं एक्स वाई जेड, समझ गए एक्स वाई जेड, अब बीच में कुछ होगा वगैरह वगैरह, हाँ समझ रहा बात को, इमेज बना रहा तो क्यू तो पी, तो बोल रहा देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी, तो बोल रहा वो इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए जो इससे पास कर रहा और इस पर वो स्ट्रेट लाइन है, समझ गए, यहाँ समझना हाँ कि इससे एक प्लेन का इक्वेशन निकालने बोल रहा जो पी से पास कर रहा, तो पी तो इमेज है, तो इमेज निकालने के लिए आपको याद है हाँ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई इस प्लेन का वन आ जाएगा इस प्लेन के लिए, फिर क्या आ जाएगा वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, और क्या आ जाएगा जेड माइनस सेवन डिवाइडेड बाई क्या जाएगा वन, और क्या आ जाएगा माइनस टू, माइनस टू ले लें, और ये पॉइंट क्या करेगा प्लेन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है थ्री माइनस वन प्लस सेवन, थ्री माइनस वन प्लस सेवन और माइनस थ्री, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि वन प्लस वन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इस तरफ से कितना सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा थ्री से थ्री कैंसिल
थ्री से थ्री कैंसिल, सिक्स सिक्स और माइनस ट्वेल्व और डिवाइडेड बाई थ्री, यानी कि माइनस फोर, सही है, माइनस फोर आएगा ना, थ्री से थ्री, सही है कि गलती है? जो भी है हाँ, जो आपका फिर अल्फा बीटा सॉरी एक्स वाई जेड निकालेगा वो पी का जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस वन फाइव थ्री। तो इससे तो पास कर रहा प्लेन, क्या बोल रहा है, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी, इससे तो पास कर रहा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा, जल्दी बोलो, इससे तो पास कर गया, इससे प्लेन क्या हुआ, पास कर गया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिख लेगा, ए एक्स प्लस वन प्लस बी वाई माइनस फाइव, ये फाइव है ना, फाइव अच्छा से लिख लेते हैं, माइनस वन फाइव थ्री, ये आ गया वाई माइनस फाइव प्लस सी जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब सोचो कि इसे पास कर गया और इसको रखता है, ये इसको क्या करता है, रखता है स्ट्रेट लाइन, तो अपना क्या आ जाएगा कि देखिएगा, अच्छा इसको रखता है, बनाते हैं फिर से एक प्लेन, समझ गया, एक प्लेन बनाते हैं, समझिएगा बात को, जब तक फील नहीं कीजिएगा ना बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। मान के चलिए ये क्या है अपना प्लेन है, ये प्लेन है, इस लाइन को रखता है, इस लाइन को रखता है, ये बात समझिएगा, इस लाइन को रखता है, तो इस लाइन को रखने का मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन पास तो कर रहा, मान चलिए ओरिजिन से, दिख रहा कि ओरिजिन से पास कर रहा, और डायरेक्शन रेशियो वन टू वन, डायरेक्शन रेशियो क्या है, वन टू वन, और साथ ही साथ एक पॉइंट पी भी इसी के अंदर है, पी भी इसी के अंदर है, पी का पॉइंट कितना है, माइनस वन फाइव थ्री, पी पॉइंट मान लेते हैं माइनस वन फाइव थ्री। देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये, अब पॉइंट माइनस पॉइंट की जगह तो एक स्ट्रेट लाइन और मिलेगा, तो नॉर्मल क्या दोनों पर परपेंडिकुलर रहेगा, ये बात समझ में आ गया कि इस पॉइंट से पास किया तो पी पॉइंट प्लेन में चला गया, और ये लाइन भी रख रहा है, तो लाइन रखने का मतलब पी पॉइंट एक पहले से पास कर रहा है, एक ओरिजिन जो ये लाइन पास कर रहा है ओरिजिन से, और ये डायरेक्शन रेशियो, तो जो नॉर्मल इसका होगा परपेंडिकुलर किस पे होगा, ओपी पे, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ओपी हो जाएगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ओपी, और नॉर्मल ही परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पे, तो क्या आ जाएगा आई जे के, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा माइनस वन फाइव थ्री है, माइनस वन फाइव थ्री है, हाँ जीरो जीरो से आएगा तो यही आ जाएगा ना, माइनस वन फाइव थ्री, और आपका इसका डायरेक्शन रेशियो वन टू वन, इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा माइनस वन फोर माइनस सेवन, और माइनस वन फोर और सेवन यहाँ रख दीजिएगा, समझ गए, यहाँ माइनस सेवन आ रहा है, माइनस सेवन जब यहाँ रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन जेड इज इक्वल टू जीरो, समझ गए। तो ठीक है सर, हाँ आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, थ्योरी वाइज अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आगे भी क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन, समझ गए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है सर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट। हेलो सर, ओई।